जम्मू कश्मीर को मिल रही 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली, फिर भी सरकार नहीं दे पा रही जनता को राहत। अधिकारियों के अनुसार बिजली की अतिरिक्त आपूर्ति होने के बाद प्रदेश में स्थिति सुधरी है। उधर बिजली के लगातार कट लगने से कई इलाकों में पानी की आपूर्ति भी गड़बड़ा गई है। गर्मी में सावधान, 40 डिग्री पर पहुंचे पारे से हीट स्ट्रोक का खतरा। अस्पतालों में उल्टी दस्त के बढ़ रहे मामले। जम्मू संभाग में लगातार गर्मी बढ़ने लगी है, इसका असर अस्पतालों में भी दिखने लगा है। उल्टी दस्त से प्रभावित मरीज लगातार अलग अलग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि लगातार बढ़ रही गर्मी में सभी को बचना चाहिए। आधार शिविर के आसपास के इलाकों में लोगों की पड़ताल शुरू, आतंकी गतिविधियों के बीच सुरक्षा बनी चुनौती। बता दें कि भगवती नगर आधार शिविर समेत अन्य केंद्रों के बाहर और अंदर होगी सुरक्षा बलों की दोगुनी तैनाती। प्रवेश द्वार लखनपुर में भी होगा सुरक्षा का कड़ा घेरा। डल गेट पर आवारा कुत्तों का हमला, सतारा पर्यटक समेत 40 के करीब लोग घायल। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम डल गेट के बुचवाड़ा इलाके में गेट नंबर 5 पर हुए एक हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से क्षेत्र के आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जम्मू में बिजली पानी की किल्लत, सड़क पर उतरे युवा कांग्रेस नेता, किया सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। जम्मू संभाग में 40 डिग्री तापमान के बीच बिजली और पानी के संकट से बेहाल लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और जगह जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक। अधिकारियों के मुताबिक इन दिनों सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। एक सप्ताह पहले भी गांव मंगूचक से बीएसएफ ने संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था। वैष्णो देवी की यात्रा में रोज 20,000 से 25,000 भक्त कर रहे दर्शन, गर्मी का यात्रा पे कोई असर नहीं। बता दें कि शनिवार को भी बड़ी संख्या में लोगों ने पंजीकरण करवा कर भवन की ओर प्रस्थान किया, जिसमें हेलीकॉप्टर बैटरी कार सेवा लगातार जारी है। पीएम का विदेश दौरा, 2 मई से 3 देशों में यात्रा कर रवाना होंगे मोदी, 25 कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वे 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 3 दिवसीय यात्रा के दौरान उन देशों में वे लगभग 65 घंटे बिताएंगे।